अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं सभी के फेवरेट स्वीट जो कि है गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन बनाना बहुत इजी है। वैसे तो हम आज प्रीमिक्स से बनाएंगे गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमने ले लिया था गिट्स का प्रीमिक्स गुलाब जामुन। इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मिक्स होती है, हमें बस इसे अच्छे तरीके से गूंथना है, उसके बाद हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में जितने भी प्रीमिक्स थे गुलाब जामुन को उसे अच्छे तरीके से निकाल लेना है और हल्के गुनगुने दूध से हम इसे अच्छे तरीके से गूंथेंगे। आप चाहें तो पानी से भी इसे गूंथ सकते हैं, बट हमने यहाँ दूध से गूंथा था। अगर आप दूध से इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से गूंथेंगे, तो बहुत अच्छा और बहुत रिच फ्लेवर आता है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे तरीके से मल लेना है। आप जब इसे अच्छे तरीके से गूंथते जाएंगे तो आपको ये लगेगा गीला हो रहा है, बट डरे ना आप, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाओ और एक डो बना ले। अब छोटे छोटे पेड़े ले लेने हैं हमें और इसे अच्छे तरीके से हथेली में मसल के राउंड शेप दे देना है, जो भी शेप आप चाहें। तो यहाँ पे हमने गोल गोल शेप दे दिया था गुलाब जामुन को और आप देख सकते हो इतने इजीली और इतने आसानी से रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन है वो जो रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए, बट हम इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से राइज हो जाए। और यहाँ पे हम चाशनी बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे पानी ले लिया था, उसमें हमने इलायची कूट के ऐड कर दी थी और आप अपने हिसाब से शक्कर ऐड कर ले और इसे अच्छे तरीके से हम खोलने देंगे। और हमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, गुलाब जामुन में बहुत पतली चाशनी होती है। तो बस यहाँ पे हमने चाशनी को रख दिया था, वो अच्छे तरीके से खोलने लगा था। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था और एक एक करके हम जितने भी बॉल्स हैं वो डिप करते जाएंगे। और आप देख सकते हो गैस की फ्लेम बहुत स्लो रखी थी मैंने, और अगर आप तेज़ करेंगे गैस की फ्लेम तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है ऊपर से अच्छे तरीके से जल जाएंगे या फिर कलर आ जाएगा, अंदर से वो कच्चे रहेंगे। तो हमें धीमे आँच पे इसे अच्छे तरीके से फ्राई करते जाना है। और स्लो आँच पे आप देख सकते हैं इतना अच्छा कलर आ चुका है और ये अच्छे तरीके से कुक भी हो चुका है अंदर तक। अब हम इसे निकाल लेंगे और जितने भी गुलाब जामुन हैं हम सेम इसी तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। और अब तक आप अगर मेरे चैनल पे बने हुए हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। और यहाँ पे हमें गुलाब जामुन को चाशनी में डिप कर देना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ हमने 2 बैच बना लिया था ताकि जो गुलाब जामुन है उस पर प्रेशर ना बने और वो टूटे फूटे ना, तो हमने 2 अलग अलग इसे पॉट में रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से चाशनी में डिप हो जाए और अच्छे तरीके से सोक कर ले। तो यहाँ पे हमारे जो गुलाब जामुन है वो रेडी हो गए हैं। अभी से हम 4 से 5 घंटों के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटों के बाद ये खाने लायक हो जाएंगे। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत इजी और क्विक सी बन जाती है घर में गुलाब जामुन। तो बाहर से लाना छोड़ दे और घर में ही बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।